आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर ह्यूमैनिटी सोशल फाउंडेशन नागपुर की ओर से संविधान चौक पर जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया था। तंबाकू के सेवन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है, इसी के मद्देनजर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए फाउंडेशन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया है। इस समय ह्यूमैनिटी सोशल फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा मानमोड़े ने कहा कि तंबाकू जैसे पदार्थों के सेवन करने से विविध बीमारियों के चलते भारत में करीब 10 लाख लोगों की मौत होती है। इसलिए जिस तरह सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसी तरह से तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और अवैध गुटखा बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। संगठन ने युवाओं से धूम्रपान और तंबाकू की लत से दूर रहने की अपील की है। साथ ही बताया गया है कि एक रिसर्च से पता चला है कि तंबाकू के सेवन से जीवन प्रत्याशा 15 साल कम हो जाती है। इस समय ह्यूमैनिटी सोशल फाउंडेशन की अध्यक्ष पूजा मानमोड़े, नेशनल ओबीसी वुमेन्स फेडरेशन सिटी प्रेसिडेंट वृंदा विकास ठाकरे, अनिता ठेंगरे, वंदना वंकर, लीना निकम, स्वाति अहिराव, चेतन गावंडे, ललित चंदेकर इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज 31 मे जागतिक तंबाकू विरोध दिवस आहे। हा 1987 पासून हा साजरा केला जातो। तर हा आज पहिला आजचाच दिवस नाही, तर हा रोज साजरा करण्यात यायला पाहिजे, कारण की तंबाखूमुळे जे शरीरावर दुष्परिणाम होतात ते खूप गंभीर स्वरूपाचे असतात। त्यामुळे आम्ही ह्युमॅनिटी सोशल फाउंडेशन आणि ओबीसी महिला महासंघातर्फे आम्ही आज इथे जनजागृतीचं करतो आहे, कारण की याची जनजागृती वारंवार व्हायला पाहिजे, कारण आज 10 लाख लोक विविध आजारांमुळे मरतात आणि त्यामुळे 36% पुरुष हे महाराष्ट्रामध्ये आणि 5% महिला या तंबाखूचं सेवन करतात। हे आपल्याला माहिती आहे की याचे शरीरावर खूप गंभीर स्वरूपाचे आजार होतात, त्यामुळे तरीही सुद्धा आपण या गोष्टीला प्राधान्य देतो आणि याच्यावर जर कठोर कारवाई केली आणि याला बंदी केली, महाराष्ट्रात त्याच्यावर बंदी असताना सर्रास बाजारामध्ये तंबाखू विकला जातो, तर म्हणून आम्ही आज हा तंबाखू इथे जाळून जनजागृती करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तरी मी आज तरुण पिढीला आवाहन करते की या तंबाखू अशा व्यसनापासून वंचित राहा आणि आपले भविष्य उज्ज्वल करा, कारण की सगळ्या कुटुंबाचे उद्ध्वस्त हा तंबाखू सारख्या वाईट गोष्टीमुळे होत आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोड के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।